गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे कल हमने क्वेश्चन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले आपको कराए थे, है ना। अब आपको जो है मल्टीप्लिकेशन करना है इसको, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है जो पहले आपने की थी। मल्टीप्लाई करते समय भी वही ध्यान रखना है। अब आपको ऐसी नंबर बतानी है कि हम वही नंबर लें, उसी से मल्टीप्लाई करके वही आ जाए। तो ऐसा कब कब होता है? अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 होगा, या 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब हो सकता है, है ना। सपोज अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर सपोज हम 1 लेके देख लेते हैं, 2 1 और 3 1, तो कितना हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, 2 किया 3 1 या 3 3 2 6, तो 1 5 6। क्या ये 6 5 आ रहा है? यहाँ पर जो नंबर है और ये नंबर आ रही है वो हमारे गिवन नंबर से मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब हमने 1 जो एज्यूम किया था वो ठीक नहीं था। फिर हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि उसी नंबर तो मल्टीप्लाई करें, तो 5 एक ऐसी नंबर होती है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 5 5 जो कितना हुआ 25, 5 2 जो 10, 10 और 2 12, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6 6 और 1 7। तो यहाँ पर 5 आया आपका, ये 7 और ये 8। अब आप ये देखो इसकी क्या इससे मैच कर रहा है, ये जो 7 है ये 7 अब आप इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम A की जगह तो 5 लें और B की जगह अगर हम 8 लेते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा A=5 और B=8, ठीक है। हमने कैसे किया? हमें जो हमें नहीं पता था क्या लेनी है A की वैल्यू, हमने ये पता लगाया कि यहाँ पर वही नंबर ले रहे हैं, उसी से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ रही है। ऐसा कब का हो सकता है? ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 की 5 से करेंगे तो 5 आ सकता है। 5 5 या 25 होता है ना, तो 5 यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी। इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी लेके देखा, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन था वो हमारा सही नहीं निकला, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट निकला। इस तरीके से हमने इसको किया। इसी तरीके से हम अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। अब जो नंबर ले रहे हैं उसी की मल्टीप्लाई उसी से करने के बाद वही नंबर आ रही है, ठीक है। तो 1 1 1 1 लेते हैं अगर हम, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, यहाँ का 1 की मल्टीप्लाई 1। लेकिन ए और बी कैसे नंबर है? डिफरेंट नंबर है ना, डिफरेंट नंबर है, तो हम दोनों को सेम नहीं ले सकते। अगर 1 5 लेते हैं, 15 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं, क्या ये आ सकता है? तो 1 5 लेके देखते हैं, 1 5 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 1 5 से, देखो 5 5 25 5 5 5, है ना, कितना हो गया 70 पे। फिर यहाँ पे हमने 5 किया, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ 5 आ रहा है, 7 और 5 12 आ रहा है, 225 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर 1 आ जाता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ना। जो नंबर हमने यहाँ दिए हैं वही दोनों नंबर यहाँ आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर तो आ रही है लेकिन दूसरी नंबर नहीं आ रही है। इसी तरीके से हम दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 25 हो सकती है। तो 25 पे अगर हम जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 2 10, 10 में हमने अगर 2 ऐड करा तो कितना हो गया 12, फिर 2 5 10, 2 2 4 और 1 5। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। तो क्या देखो ये सही हो रहा है? यहाँ पर जो नंबर ए बी है यानी कि 25 है, यहाँ पर भी वही नंबर ए बी है 25 है, और जो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो भी 25 है। इसका मतलब हमने जो लिया है ना नंबर वो ठीक है, यानी कि 25 और 25 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं वो कितनी आ रही है? 625 आ रही है ना। तो 625 आ रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 25 ही लेनी पड़ेगी। 625 हमें लाना था, तो ए की वैल्यू 2 ले लें अगर हम और बी की वैल्यू 5, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा A=2 और B=5 हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो थर्ड है, थर्ड में क्या है, ए ए फोर ए आ रहा है ना। अब आप देखो यहाँ पर हम क्या नंबर लेंगे, दोनों नंबर सेम होनी चाहिए, तो सेम कब आ सकती है, फोर आना चाहिए, तो टू टू जब फोर होता है ना, तो टू टू जब फोर लेके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जो है टू लेते हैं और यहाँ पर भी टू लेते हैं, यहाँ पर भी टू लेते हैं, है ना, क्या ये सही आ जाएगा, टू टू जब फोर, टू टू जब फोर, है ना, फिर फोर से क्या, फोर टू जब एट, फोर टू जब एट, यानी कि फोर एट और फोर ट्वेल्व नाइन। हाँ ठीक है, देखो आपने जो लिया था ए की जगह टू लिया, बी की तो एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे टू टू लेने के बाद ये हमारे सेटिस्फाई कर गया पहली बार में, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि तो 22 को हमने मल्टीप्लाई किया, 22 को मल्टीप्लाई किया हमने 42 से, तो ये हमारा आंसर जो आया वो आ रहा है आपका आंसर 924 आ रहा है ना, तो यही हमें चाहिए था 924। ए की जगह क्या है, टू है, तो ये आंसर आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू टू हो गया, ये आपका करंट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में क्या है, फिल इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 विदाउट रिपीटिशन सो दैट ईच साइड ऑफ द मैजिक ट्राइंगल एड्स अप टू 12। मतलब अगर हम सारे नंबर को ऐड करें वो 12 आ जाए, ऐसा आपको मैजिक बनाना होगा। ठीक है, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है कि बार बार आप करके देखेंगे। ठीक है, ऐसी नंबर बनाने की कोशिश करेंगे कि उनका सम जो है 12 हो, और एक नंबर को एक ही बार यूज़ करना है। ठीक है, तो एक ही बार यूज़ करना है, और सम कितना आना चाहिए, ठीक है, सम और बार 12 आना चाहिए, तो कहाँ पर क्या लिया जाए, है ना, ये आपको सोचना होगा। ये आपके पास तीन जगह फिलअप करना है, नंबर 1 से लेके आपको 3 यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर जो फिलअप करते हैं, मान लीजिए एक तरफ जो कॉर्नर वाले पॉइंट है वहाँ पर हम बड़े नंबर ले लेते हैं, देखो जैसे ये 4 है, यहाँ मैंने सपोज करो 5 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया कॉर्नर वाले पॉइंट पर। ठीक है, 4 5 6, अब ये देखो 5 और 4 9 9 और 3 12, ये 12 हो गया, 5 और 6 11 11 और 1 12 हो गया, 6 और 4 10 10 और 2 12, इस तरीके से आपको हर नंबर जो है एक ही बार यूज हो रही है, 1 2 3, है ना, 1 2 3 एक अलग ट्राइंगल हो गया, 4 5 6 अलग ट्राइंगल हो गया। इसमें क्या है, अगर हम जो है ना बीच में भी ये बड़े नंबर ले सकते हैं, तो साइड में हमें छोटे नंबर लेने होंगे, क्योंकि हमें ट्राइंगल ऐसे फॉर्म करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ऑर्डर लिया है, या तो आप बड़े नंबर 4 5 6 यहाँ पर लिए हैं, 1 2 3 यहाँ पर लेंगे, तो फिर 4 5 6 यहाँ लेने होंगे, ताकि हमारा सम जो है बैलेंस में रहे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से हम जो है ना इनको सॉल्व करेंगे। मेथड में अगर आपकी एक बार में नहीं आएगा, दोबारा आप करके देखो, तिबारा करके देखो, आप कोशिश करोगे तो खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। मैंने आपको मेथड क्या बताया, मेथड ये बताया, जब भी कभी हमें ऐसे सम निकालते हैं, उसमें हम कॉर्नर वाले पॉइंट पे या तो बहुत बड़े नंबर ले लो, ठीक है, या फिर बहुत छोटे नंबर ले लो, तो वो आपका जो है सम इस तरीके से निकल आएगा। तो बेटे ये हमने यार हाथ आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आप ये कंप्लीट करेंगे, बाकी आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े लेंथी हैं, वो अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे, वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।